क्या आपने ब्लॉकचेन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए आज हम बताते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये अगर आपको क्रिप्टो करेंसी मालूम है तो आपको ब्लॉकचेन समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं ब्लॉकचेन क्या है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। क्रिप्टो करेंसी में इसकी एक मूल इकाई है बिटकॉइन की। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के अंदर कार्य करती है। ब्लॉकचेन एक पूरा सिस्टम है जिसके अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी कार्य करती है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन कार्य करता है। ब्लॉकचेन इन सब को निर्धारित करने का कार्य करता है और हम आपको यही बताएंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे कार्य करता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ब्लॉकचेन यानी कि ब्लॉकों का चेन। इसे ब्लॉक का एक ग्रुप या समूह भी कहते हैं और सारे ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक एक हैश रखता है जो डाटा और टाइम डिटेल के साथ ब्लॉक से जोड़ने का कार्य करता है। यह बढ़ते हुए बहुत बड़े डेटाबेस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह जो चेन है बिटकॉइन के रूप में उपयोग किया जाता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक यूनिट है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जैसे कि किसी भी देश की मुद्रा होती है वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट मुद्रा है जो ब्लॉकचेन के अंतर्गत कार्य करता है। ब्लॉकचेन का आविष्कार सतोशी नाम सन 2008 में ब्लॉकचेन का आविष्कार किया था। इसकी शुरुआत 2008 में हो गई थी। चलिए अब जान लेते हैं इसको आसान भाषा में और भी आसान भाषा में ब्लॉकचेन क्या है। तो चलिए जान लेते हैं ब्लॉकचेन। पहला है ब्लॉक, दूसरा है चेन यानी कि एक श्रृंखला। ब्लॉकचेन में सारे डाटा ब्लॉक में होता है। ये सारे डाटा ब्लॉक में क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से डाटा को एनकोड किया जाता है। और यहाँ ये बताएंगे कि सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे कार्य करती है। इसको हम एक उदाहरण से समझाएंगे। आप कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन परचेज करते हैं। परचेज करते ही आपके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक जनरेट हो जाता है जो कि क्रिप्टोग्राफी तकनीक द्वारा डिक्रिप्ट किया जाता है। इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। अगर आप अपने बिटकॉइन को बेचना चाहते हैं तब आपका रिकॉर्ड और एक यूजर्स का रिकॉर्ड दूसरे ब्लॉक में सुरक्षित रहता है। इन सब ट्रांजेक्शन का एक चेन बनता है जिसके कारण इसे ब्लॉकचेन का नाम दिया जाता है। अब हम ब्लॉकचेन को समझते हैं। ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक से ब्लॉक का एक चेन या श्रृंखला। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कई डाटा के साथ संबंध रखता है। इन छोटे छोटे ब्लॉक के समूह को ब्लॉकचेन कहते हैं जिसके द्वारा एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनती है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा बनाई जाती है। इसे एनक्रिप्ट करने की इजाज़त देती है। हर ब्लॉक की एक खास संरचना में उसका मेटा डाटा और उसके ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल शामिल होती है जो आगे के आदान प्रदान के लिए जमा की गई होती है। ब्लॉकचेन में ब्लॉक की हेडिंग फंक्शंस की ब्लॉक को चयनित करने का कार्य करते हैं जिसके द्वारा एक ब्लॉकचेन बनती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉकचेन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। वहाँ आपको ब्लॉकचेन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी जैसे कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं, ब्लॉकचेन के कितने प्रकार होते हैं। तो ये सब आपको ब्लॉकचेन मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ब्लॉकचेन के बारे में पूरा पढ़ें। ब्लॉकचेन का भविष्य में कैसा इसका रिटर्न है या ब्लॉकचेन कैसा है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है, बिटकॉइन कौन से देश की करेंसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का। वहाँ आप पूरा ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।